6 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीओपी ने दी जानकारी। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक 6 साल की दिव्यांग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जहां पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने 6 साल की दिव्यांग मासूम बच्ची को उस समय अपनी हवस का शिकार बना लिया जब उसके माता पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जहां पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी पोहरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने दी है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, बैराड़ में एक अमानवीय कृत्य सामने आया है सर, एक मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गई सर। पुलिस की सर क्या कुछ कार्रवाई रही है और सर क्या कुछ सामने आया है, आखिर ऐसा कृत्य पहली बार ही सामने आया है सर? दिनांक 14 फरवरी को शाम को इस पीड़िता के साथ दुष्कृत्य हुआ है, इसको लेकर सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पहुँचकर, मौके पर पहुँचकर पीड़ित पक्ष को सुना गया, उसके मेडिकल उपचार की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस को निर्देश दिए गए थे, उसमें आरोपी पुलिस अभिरक्षा में आ गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये माता पिता जब मजदूरी के लिए बाहर गए तो ये बच्ची अकेली थी घर पर, शारीरिक रूप से विकलांग है, 6 वर्षीय बच्ची है, तो उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जा रही है।